वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टेक गुरु और आज टेक गुरु पर हम किसी स्मार्टफोन्स को नहीं बल्कि लेटेस्ट कंप्यूटर्स को रिव्यू कर रहे हैं और ऐसा ही एक टेढ़ा मेढ़ा फ्लेक्सिबल कंप्यूटर है Acer Aspire R13 जिसका रिव्यू मैं नहीं करने वाला हूं, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी देंगे यश। हाइब्रिड कंप्यूटर्स की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है? अरे यही कि आप उनके फॉर्म फैक्टर के साथ कुछ भी कर सकते हैं। यू कैन फोल्ड इट, टिल्ट इट और एंजॉय इट। हाइब्रिड कन्वर्टिबल कंप्यूटर्स के इस मैदान जंग में एसर ने उतार दिया है अपने एसर एस्पायर R13 को। बीइंग एन अल्ट्राबुक, इस लैपटॉप में आपको लंबी बैटरी मिलती है, वो भी परफॉर्मेंस के साथ समझौता किए बिना। स्लिम ट्रिम दिखने वाले इस लैपटॉप का फॉर्म फैक्टर काफी फ्लेक्सिबल है। इसे आप एक झटके में लैपटॉप मोड से टैबलेट मोड में बदल सकते हैं। इसकी स्क्रीन इस दुबले पतले बेजल के सहारे 180 डिग्री तक रोटेट होती है। इसके इस यूनिक फीचर की मदद से आप इस लैपटॉप पर मूवी, म्यूजिक और बिजनेस प्रेजेंटेशंस भी दे सकते हैं। In our world, you always go back. इसमें 13.3 इंच का 1920x1080p के रेजोल्यूशन वाला फुल एचडी डिस्प्ले दिया गया है जो गजब का खूबसूरत है। अच्छे टच एक्सपीरियंस और स्क्रीन को रफ एंड टफ बनाने के लिए गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी दिया गया है। क्वालिटी वाइज इसका डिस्प्ले अच्छा है, बस ब्राइटनेस और व्यूइंग एंगल्स कुछ खास नहीं है। डिजाइन के मामले में सच में एसर ने बहुत ही अच्छा काम किया है। मेटल और ग्लास की डिजाइन कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसके अलावा और एक अच्छी चीज, इसका जो ये लोगो है यहाँ पे, वो कंप्यूटर ऑन होते ही टिमटिमाने लगता है। डिजाइन के मामले में सच में एसर को 21 तोपों की सलामी देने का मन करता है, पर ग्लास फिनिश का एक साइड इफेक्ट भी होता है, वो ये कि इस पर उंगलियों के निशान बड़ी आसानी से पड़ जाते हैं। बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से एसर एस्पायर R13 काफी मजबूत नजर आता है। वजन के मामले में भी ये लगभग 1.25 किलो का ही है। अच्छी परफॉर्मेंस के लिए एसर एस्पायर R13 में 8GB DDR3 RAM के साथ इंटेल कोर i5 और कोर i7 प्रोसेसर का साथ दिया गया है। एसर एस्पायर R13 में विंडोज 8.1 ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है। स्टोरेज के लिए इसमें 128GB से 1TB तक के स्टोरेज ऑप्शन दिए गए हैं अलग अलग मॉडल्स में। कहते हैं तो इसको लैपटॉप है, लेकिन लगता नहीं है कि ये लैपटॉप के लिए, लैब के लिए आपके बना है, क्योंकि इसके स्पीकर्स जो है वो यहाँ पे नीचे दिए गए हैं। जब भी आप इसको लैब पे रखोगे तो इसके स्पीकर्स जो है वो दब जाएंगे। कभी बिस्तर पे यूज़ करना है तो भाई इसके स्पीकर्स दब जाएंगे, तो इसके जो साउंड क्वालिटी है, म्यूज़िक एक्सपीरियंस है, उसमें मज़ा नहीं आएगा। इसके साथ ही Acer Aspire R13 के कीबोर्ड और ट्रैकपैड का लेआउट थोड़ा अजीब है। कीज का साइज बहुत छोटा है जिससे टाइपिंग में दिक्कत होती है। डिलीट की एक अलग जगह दी गई है जिससे बहुत कंफ्यूजन होता है। बस अच्छी बात इतनी है कि बैकलिट कीबोर्ड होने की वजह से इस पर अंधेरे में भी टाइप किया जा सकता है। Acer Aspire R13 के दाम है 83,999 रुपये। तो फाइनली यार ये उन लोगों के लिए बना हुआ है जो इसके टच स्क्रीन को पूरी तरह यूटिलाइज करना जानते हैं। ड्राइंग करो, पेंटिंग करो, कुछ क्रिएटिव स्टफ जिसको बोलते हैं वो कर लो। अगर इसके कीबोर्ड को आप यूज़ करना चाहते हो तो मैं सजेस्ट नहीं करता कि आप कर लो। सिर्फ 84,000 रुपये सिर्फ जिसको बोलते हैं टच स्क्रीन डिवाइस पर आप खर्च करना चाहते हो, कर लो भैया, मैं तो नहीं करने वाला। टेक गुरु के ऊपर यश भट्ट का पहला रिव्यू, भाई वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कुछ ताली वाली बजा दो, नीचे कमेंट वमेंट दिए होंगे आप, कमेंट कर दीजिए, अच्छा लगेगा, बेचारे बच्चे का दिल बहल जाएगा। एनीवे नाइस ट्राई, पहला रिव्यू किया है, थोड़े बहुत गलतियां अगर हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। पर आखिरी बात तुमने सही की, 86,000 रुपये सिर्फ एक टच स्क्रीन वाले टैबलेट कंप्यूटर या फिर टच स्क्रीन के लिए, या सिर्फ 86,000 रुपये का टैबलेट कंप्यूटर, ना बाबा ना। हम अगर सिर्फ एक टैबलेट कंप्यूटर लेना है और कीपैड का भी मजा लेना है तो फिर ये ना ले कोई स्वाइप का अल्टीमेट 3G। ये बेसिकली कन्वर्टिबल हाइब्रिड कंप्यूटर है, इसमें भी कीपैड दिया हुआ है, साथ में कवर भी आता है,
ऐसे बस थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा इशू है, कभी कभी निकल जाता है, बट ये ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है बहुत अच्छी तरीके से। और बेसिकली टैबलेट भी है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलने वाला, अलग से कीपैड भी मिलता है। जब आपको टाइपिंग करनी हो तो इसको यहाँ पे जॉइंट कर लीजिए और बड़े मजे से टाइपिंग कीजिए, एंजॉय कीजिए। और 20,000 रुपए की कीमत में इससे ज्यादा आप क्या लोगे, बच्चे की जान। 86,000 रुपए मैंने चार आ जाएंगे यार उसमें तो, ये 5 Ultimate 3G इसको टेक गुरु पर आप खरीद सकते हैं। मैं तो ये कहूँगा अच्छा 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 एक डिवाइस है। ऑन दिस नोट टेक गुरु पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।